YouTube चैनल आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम सैमसंग का रेफ्रिजरेटर लेकर आए हैं जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो अगर आप एक अच्छा रेफ्रिजरेटर परचेस करना चाहते हैं, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन आ चुका है, तो सभी के घर में एक अच्छा रेफ्रिजरेटर परचेस करना जरूरी है। तो आज हम चीप एंड बेस्ट में सैमसंग का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर लेकर आए हैं, तो वो भी 4-स्टार रेटिंग के साथ। अगर आप एक अच्छा रेफ्रिजरेटर परचेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो वीडियो देख के, 2-4 मिनट का वीडियो आप देख के लीजिए, तो आप एक अच्छा रेफ्रिजरेटर परचेस कर सकते हैं। क्योंकि हम किसी भी वीडियो में किसी भी प्रोडक्ट का जो है प्रमोशन नहीं करते हैं, आपको जहां से मन हो आप वहां से परचेस कीजिएगा। बस हमारा एक ही लक्ष्य है कि आप जो है अपना पैसा बिल्कुल सही प्रोडक्ट परचेस करने में ही इन्वेस्ट करें। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं, और आपके लिए कैसा होगा उसके लिए तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। देखिए, इसको हमने अनबॉक्सिंग कर लिया है। आप चलिए इसके फीचर्स के बारे में बता देते हैं। और ये रेफ्रिजरेटर जो आपको मिलता है, लुकिंग वाइज और हाइट बहुत ही अच्छा है। स्टैंड बेस ये आपको रेफ्रिजरेटर मिलता है, 4-स्टार रेटेड है। प्लस में ये डिजिटल रेफ्रिजरेटर है। डिजिटल क्या है, कैसे इसको कंट्रोल करना है, सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हम किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन बिल्कुल नहीं करते हैं, आपको जहां से मन हो आप वहां से परचेस कर सकते हैं। इसीलिए हम किसी भी प्रोडक्ट का जो है परचेस लिंक भी नहीं डालते हैं। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारा बस एक ही लक्ष्य है, आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करें उससे पहले आपको उसके बारे में जानकारी हो जाए, जिससे आप अपना पैसा जो है बिल्कुल सही प्रोडक्ट परचेस करने पर ही खर्च करें। तो चलिए इसके बारे में जानकारी देते हैं। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, नंबर वन में जो है, आप कभी भी मार्केट में जाइएगा तो आपको स्टार रेटिंग बताया जाएगा। तो देखिए, रेफ्रिजरेटर या एसी लीजिए या रेफ्रिजरेटर लीजिए तो आपको 1-स्टार से लेकर 5-स्टार रेटेड तक आता है, ठीक है। तो ये देखिए, आपको ये आपको 4-स्टार रेटेड है, ठीक है। तो 4-स्टार रेटेड है, तो अगर आप घर के ले रहे हैं, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप कम से कम 5-स्टार लीजिए, और अगर आपका बजट जो है मीडियम में है तो कम से कम 3-स्टार रेफ्रिजरेटर ही आप परचेस करें। तो ये 4-स्टार रेटिंग के साथ आपको मिलता है। प्लस देखिए, स्टार रेटिंग का मतलब क्या होता है, अगर ये जो है एक साल कंटिन्यू चलेगा तो 134 यूनिट्स जो है बिजली का आपको खपत करेगा, ठीक है। अगर यही 5-स्टार रहता तो आपको 105 से 106 यूनिट जो है एनर्जी खपत करता। तो स्टार रेटिंग जो है, बस ये समझ लीजिए, अगर जितना 5-स्टार सबसे बेस्ट होता है, और अगर नॉर्मल लीजिएगा तो कम से कम आप 3-स्टार रेटेड ही रेफ्रिजरेटर परचेस करें। स्टार रेटिंग बस आपको बिजली का खपत कम करता है, ठीक है। उसके नीचे आइएगा तो देखिए, अप्लायंस रेफ्रिजरेटर ब्रांड सैमसंग का, मॉडल देखिए यहाँ पर डाला हुआ RR23A2F3X4R, ये इसका मॉडल हो गया। इसका अगर आपको प्राइस चेक करना है तो ये मॉडल डाल के आप ऑनलाइन भी इसका प्राइस चेक कर सकते हैं। टाइप डायरेक्ट कूल, इसमें पावर सप्लाई दीजिएगा तो ये डायरेक्ट कूलिंग करने लगता है, ठीक है। ग्रॉस वॉल्यूम 225 लीटर जो है 214 लीटर, तो टोटल अगर आपको स्टोर करना है तो 214 लीटर तक आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर गारो हैंडल डिजाइनिंग में आपको दिया गया है, जो कि नया मॉडल में आपको मिलता है। गारो हैंडल डिजाइनिंग है और ये डिजिटल है, और डिजिटली आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसे डिजी टच कूल रेफ्रिजरेटर बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, वो ऑप्शन दिया है, ठीक है, मानसून विंटर समर जो जैसा मौसम है उस मौसम के अनुसार आप इसमें सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे ये बटन है, ये बटन को पुश करते जाइएगा, यहाँ पे लाइट जो है एलईडी लाइट लगा रहता है जो आपको इंडिकेट करते रहेगा। जैसे जैसे इसको दबाइएगा तो ये आपको बढ़ते रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ई डिफोर्स का सिस्टम दिया गया है, इसे अगर आपको ई डिफोर्स का उपयोग कैसे होता है सो हम आपको बता देते हैं। जैसे इसको ओपन कीजिएगा, ठीक है, इसे ऊपर वाले को फ्रीजर बोला जाता है, नीचे को फ्रिज बोला जाता है, जिसे रेफ्रिजरेटर भी बोल सकते हैं। ऊपर वाले को फ्रीजर बोला जाता है, इसमें आप बर्फ़ जमाने का काम करते हैं। तो जैसे ये पूरा जो है इसमें बर्फ़ बन जाता है, तो आपका जैसे इसमें कोई भी आप आइसक्रीम रखें या आइसक्रीम बना रहे हैं तो इसमें बर्फ़ जमने के कारण वो भी इसमें चिपक जाता है, ठीक है। तो चिपकता है तो उस कारण क्या करते हैं, हम इसमें कोई भी मेटल का वस्तु इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाकू हुआ, चम्मच हुआ, उस सब का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे मेरा पूरा बर्फ़ बना हुआ है, ये डोर ओपन नहीं हो रहा है, तब आपको ई डिफोर्स का उपयोग होता है। देखिए,
तब आपको ई डिफोर्स का उपयोग करना है। ई डिफोर्स का इसे आप ऐसे, ये बटन है ठीक है, ये टच में नहीं रहता है, इसे आप ऐसे 3 सेकंड के लिए दबाइएगा तो आपका जितना भी उसमें बर्फ बना रहेगा वो सारा पानी बन जाएगा और पीछे एक कंटेनर लगा रहता है उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे इको मोड का ऑप्शन दिया गया है। इको मोड का इस्तेमाल कब होता है सो हम बताते हैं। जैसे हम ठंड के मौसम में रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल बहुत करते हैं ठीक है, क्योंकि ठंड के मौसम में बहुत ही कम उपयोग हम लोग कर देते हैं रेफ्रिजरेटर का। और अभी जैसे गर्मी का सीजन आया है तो गर्मी के सीजन में हम इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा, बहुत ही अधिक करते हैं। तो इको मोड का इस्तेमाल हमको ठंड के मौसम होता है जिससे हमारा एनर्जी जो है सेविंग हो जाएगा। तो इको मोड बस इसे 3 सेकंड के लिए इसे दबा कर रखिएगा तो आपका इको मोड जो है ऑन हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है कंजम्पशन कम करने लगेगा। तो अपने उपयोग के अनुसार इसका टेम्परेचर यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं बिना डोर ओपन किए हुए ठीक है, जिससे आपका इसका जो है बैकअप बढ़ जाता है, कूलिंग का बैकअप बढ़ जाता है। अगर इसमें पावर सप्लाई नहीं दीजिएगा तो भी आपको 8 घंटा तक ये रेफ्रिजरेटर जो है कूलिंग करके रखेगा, बस आपको डोर ओपन नहीं करना है ठीक है। उसके नीचे आइएगा तो इसमें देखिए आपको 10 ईयर्स वारंटी ऑन डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर, 10 साल का आपको वारंटी देता है कंप्रेसर प्लस डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ इसमें आपको कंप्रेसर दिया गया है, जिससे आपको ये बहुत ही बिजली एफिशिएंट होगा और जो है ये आपको जो है साउंडलेस रेफ्रिजरेटर होने वाला है, क्योंकि डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इसमें कंप्रेसर लगा हुआ है। तो किसी भी रेफ्रिजरेटर का जो मेन पार्ट होता है वो होता है कंप्रेसर, तो कंप्रेसर जितना अच्छा रहेगा वो उतना आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो ये आपको डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आपको इसमें आता है। ऑटो एक्सप्रेस कूलिंग इसमें आपको दिया गया है, जैसे इसमें मान लीजिए कितना टेम्परेचर है, जैसे पावर कट होता है और फिर 1-2 घंटा के बाद पावर आता है तो ऑटोमेटिक ये ऑटो एक्सप्रेस कूलिंग में चला जाएगा, जिससे आपको ये फास्ट कूलिंग करने लगेगा, जो कि इसमें आपको सिस्टम दिया गया है ऑटोमेटिक टेम्परेचर देख के उतना आपको करने लगेगा। कॉन्टैक्ट को घर के इन्वर्टर पर अगर आप इसे चलाना चाहते हैं तो घर के इन्वर्टर पर भी चला सकते हैं, मात्र जो है 2 CFL बल्ब जितना जो है एनर्जी जो है खपत करेगा, तो जो कि बहुत ही कम है। स्टेपलाइजर फ्री ऑपरेशन, देखिए विथाउट स्टेपलाइजर भी इसे वर्क कर सकते हैं ठीक है, आप इसे इसमें आपको स्टेपलाइजर लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि अगर 100 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट के अंदर होना चाहिए तो आपका वोल्टेज जो है ऑटोमेटिक कंट्रोल करते रहेगा। 21 ईयर्स ऑपरेबिलिटी टेस्टेड बाय VDE के द्वारा इसको 21 ईयर तक टेस्ट किया गया है। यहाँ पे आपको लॉक का भी सिस्टम दे दिया गया है और डिजाइनिंग काफ़ी खूबसूरत है देख लीजिए। और ये काफ़ी बिग साइज रेफ्रिजरेटर है, आपको सिंगल डोर में बिग साइज रेफ्रिजरेटर प्लस स्टैंड बेस, देखिए नीचे जो स्टैंड है उसमें आप आलू प्याज भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो स्टैंड बेस आपको अलग से मार्केट में जो है कुछ भी नहीं परचेस करना पड़ेगा, आपको अलग से मार्केट में कुछ भी नहीं परचेस करना पड़ेगा अगर आप इस रेफ्रिजरेटर को परचेस कर लीजिएगा तो। चलिए इसका थोड़ा इंटरनल दिखा देते हैं जिसमें आपको क्या क्या दिया गया है ठीक है। ऊपर देखिए फ्रीजर बॉक्स हो गया, नीचे फ्रिज हो गया, इसमें आपको तीन जो है ग्लास का ट्रे दे दिया गया है जो कि टफेन ग्लास है, ये फूटेगा नहीं। देखिए अगर 20 केजी तक भी आप इस पर स्टोर कर दीजिएगा तो ये फूटने वाला ग्लास नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको उठा के नीचे बजार दीजिएगा तो फूट जाएगा। तो इसको अगर इस पर आप कुछ भी स्टोर करते हैं, जो भी आपका मन हो, वेजिटेबल हो या पानी का बोतल हो, कुछ भी आप रखते हैं तो 20 केजी तक ये आपको टूटने वाला नहीं है। 25 केजी भी दीजिएगा टूटेगा नहीं ठीक है, क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग कंपनी बनाता है टफेन ग्लास के साथ। उसके बाद नीचे आइएगा तो आपको ये आपको वेजिटेबल बॉक्स दे दिया गया, इसमें वेजिटेबल रखना है आपको। इसी के अंदर एक इसका मैनुअल कार्ड वारंटी है और एक आइस मेकर भी आपको इसमें दे दिया गया, देख रहे हैं ये आइस मेकर हो गया, आइस में चाबी भी उसका अंदर में दिया रहता है जो कि वेजिटेबल बॉक्स में आपको मिल जाता है। यही स्टैंड है, इसे डॉल स्टैंड बोलते हैं, इसे ओपन कीजिएगा। इसको ओपन करने के लिए आपको इस फॉर्म पर से इसको उतारना पड़ता है। और इसमें देख लीजिए टेम्परेचर कंट्रोल के लिए अंदर में आपको कोई भी बटन नहीं मिलता है जो कि आपको बाहर से ही कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए इसे डिजी टच कूल रेफ्रिजरेटर बोला जाता है। और ये नॉर्मल रेफ्रिजरेटर से आपको 21% बिजली जो है कम खपत करेगा और उससे फास्ट कूलिंग करता है। नॉर्मल रेफ्रिजरेटर जैसे ये सब हो गया, आपको नॉर्मल रेफ्रिजरेटर है इससे जो है आपको ये फास्ट कूलिंग करके देगा, क्योंकि ऑटो एक्सप्रेस मोड में ये ऑटोमेटिक इसका टेम्परेचर कितना है उस अनुसार ये कूलिंग करने लगता है। इस साइड आपको बोतल गार्ड्स मिल जाता है जिसमें आपको बड़ा साइज का बोतल, छोटा साइज का बोतल, अंडा उंडा जो भी रखना हो आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं ठीक है। और पीछे का लुक हम आपको दिखा देते हैं, ये देख लीजिए
ये इसका हो गया पीछे का लुक। इसमें देखिए जाली जो रहता है वो सारा अंदर पैकेज रहता है, तो इसीलिए ये रेफ्रिजरेटर जो है आपको ये साइड से गर्म होता है, ठीक है, साइड से गर्म होता है। या रेफ्रिजरेटर में कोई प्रॉब्लम है ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको साइड से हीटिंग होगा, क्योंकि गैस जब कंप्रेस होता है तो गैस में जो है हीट हो जाता है, तो इसीलिए साइड से आपका जो है रेफ्रिजरेटर गर्म होता है। तो और नीचे जो है पीछे में देख लीजिए, वहाँ पे कंप्रेसर दिया हुआ है, यही कंटेनर हुआ, इसी में पानी जाके बर्फ़ जो बनेगा तो पानी उसी में स्टोर होता है, उसे आप बाहर निकाल के क्लीनिंग करके फिर आप इसमें लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसे खोला जा सकता है। और फ्रेंड्स चलिए इसका प्राइस हम आपको बता देते हैं, ये जो है आपको रेफ्रिजरेटर, ठीक है, इस रेफ्रिजरेटर का MRP जो है 24,990 है, ठीक है, 24,990 प्लस 225 लीटर। तो इस रेफ्रिजरेटर का जो आपको अभी मार्केट का प्राइस डिस्काउंट करके चल रहा है, हम जो अभी प्राइस बता रहे हैं आपको ऑफलाइन का प्राइस बता रहे हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट का फ्रेंड्स प्रमोशन बिल्कुल नहीं करते हैं, हमारा बस एक ही लक्ष्य है कि आपको जानकारी दे दे, जिससे आप अपना पैसा सही प्रोडक्ट परचेस करने पर ही इन्वेस्ट करें, ठीक है। और इसके रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट करें, 24 आवर्स के अंदर जो है हम आपको रिप्लाई दे देंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो भी प्राइस चल रहा है डिस्काउंट करके, ठीक है, मात्र आपको 20,900 रुपया हम आप इसे परचेज कर सकते हैं, कितना 20,900 रुपया। वैसे आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तब चेक कर लीजिएगा, इसका प्राइस घट भी सकता है, बढ़ भी। अब हम अपना एक्सपीरियंस आपको बताते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो देखिए ये जो आपको सैमसंग का मिलता है, अगर आपको 5 से 6 मेंबर हैं तो उसके लिए रेफ्रिजरेटर बहुत अच्छा है, क्योंकि बिग साइज रेफ्रिजरेटर है, 225 लीटर बहुत ही अच्छा स्टोरेज होता है, और स्टार रेटिंग भी बहुत अच्छा है, 4 स्टार रेटेड है, और प्लस डिजिटल है, तो डिजिटली आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्राइस रेंज में जो प्राइस हम इसको आपको बताए हैं उस प्राइस रेंज में ये रेफ्रिजरेटर बहुत ही अच्छा है, और प्लस स्टैंड भी दिया हुआ है, तो लगभग आपको मार्केट से कुछ भी आपको अलग से परचेस नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहें तो परचेस कर सकते हैं, इसमें 2-3 कलर आपको इसमें उपलब्ध हो जाएगा, जो आपको चाहे वो परचेस कर सकते हैं। और ये जो हम आपको प्राइस बताए हैं, ये प्राइस ऑफलाइन का हम आपको बताए हैं, और इसे आप चेक कर लीजिएगा जब इसे आपको परचेस कर, तो उस समय इसका प्राइस क्या चल रहा है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। और इसके रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करें, 24 आवर रिप्लाई आपको दे देंगे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं एक न्यू प्रोडक्ट के साथ।